ना चिपकेगा ना जलेगा और ना ही आपका दूध फटेगा, और बिल्कुल परफेक्ट हमारा साबूदाना का अनोखा खीर बनके तैयार होगा। और हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए इसकी रेसिपी देख लेते हैं। इसके लिए यहाँ मैंने लिया है 1 कप साबूदाना। यहाँ मैंने बड़े साइज का साबूदाना लिया है, आप इसकी जगह छोटे वाले साबूदाने का भी यूज़ कर सकते हैं। और अब हम साबूदानों को एक बर्तन में डालेंगे, और ये देखिए यहाँ मैंने इसे बर्तन में डाल दिया है। और अब हम इसमें पानी डालेंगे। पानी डाल करके हम इसे अच्छे से हल्के हाथों से अच्छे से हम इसे मिलाते हुए साफ कर लेंगे या धो लेंगे, जिससे साबूदाने के ऊपर लगा स्टार्च अच्छे से धुल जाएगा और ये साफ हो जाएगा। और आप देख सकते हैं यहाँ मैंने इसे 2 से 3 बार अच्छे से वॉश कर लिया है, और साबूदाना हमारे बहुत ही अच्छे से साफ हो गए हैं। और अब हम इसमें पानी डालेंगे, जितना हमने साबूदाना लिया था उसका डबल हम इसमें पानी डालेंगे। और पानी डाल करके हम इसे 1 से 2 घंटे के लिए इसे सोख होने देंगे, जिससे साबूदाना हमारे बहुत अच्छे तरीके से पानी में फूल कर डबल हो जाएंगे। और आप देख सकते हैं साबूदाना को भिगे हुए हुए 2 घंटे हो गए हैं, और ये बहुत अच्छी तरीके से फूल गए हैं, और ये साइज में भी फूल कर डबल हो गए हैं। और मैं आपको पास से दिखाती हूँ, साबूदाना का एक एक दाना बिल्कुल अच्छी तरीके से फूल गया है। और चलिए अब हम इसका खीर बनाते हैं। खीर बनाने के लिए यहाँ मैंने दूध को पैन में गर्म होने के लिए रख दिया था, और गैस का फ्लेम हाई रखेंगे, जिससे दूध हमारा जल्दी गर्म हो जाएगा। और आप देख सकते हैं दूध हमारा अच्छी तरीके से गर्म हो गया है, और इसके ऊपर बहुत ही अच्छा सा मलाई का लेयर आ गया है। इस टाइम पे हम इसे अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर लेंगे, जिससे मलाई दूध में अच्छे से मिक्स हो जाएगा, जिससे दूध हमारा थिक और क्रीमी हो जाएगा। और आप देख सकते हैं यहाँ मैंने स्पैचुला से अच्छे से किनारे में चलाते हुए दूध का सारा मलाई को हम इस तरीके से निकाल लेंगे, और इसे दूध में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे, और मीडियम फ्लेम पे इस तरीके से दूध को हम अच्छे से मलाई निकालते हुए दूध को पका लेंगे, जिससे दूध का पानी और मॉइस्चर सूख जाएगा। और अब हम इसमें सोख किए हुए साबूदाना डालेंगे। हम इसे इस तरीके से स्पैचुला से निकाल करके साबूदाना को दूध में ऐड करेंगे, जिससे साबूदाने का एक्स्ट्रा पानी दूध में नहीं जाएगा, और साबूदाना हमारे दूध में बिल्कुल परफेक्ट पकेंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ मैंने एक्स्ट्रा पानी साबूदाना का निकाल लिया है, और दूध में डाल करके गैस का फ्लेम हाई कर लेंगे, और 1 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे हम इसे इस तरीके से चलाते हुए दूध में साबूदाना को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जिससे साबूदाना तले में चिपकेगा नहीं और दूध के साथ अच्छे से पकेगा। और आप देख सकते हैं दूध में अच्छा सा बॉयल आना स्टार्ट हो गया है। इस टाइम पे गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे, और मीडियम फ्लेम पे हम इसे अच्छे से पकने देंगे। और आप देख सकते हैं साबूदाने को पकते हुए 5 मिनट हो गए हैं। और अब हम इसमें फ्लेवर के लिए 2 कुटी हुई इस तरीके से इलायची ऐड करेंगे। आप इसकी जगह इलायची पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपको इलायची का फ्लेवर नहीं पसंद है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। और इलायची डालकर हम इसे अच्छे से मीडियम फ्लेम पे ही चलाते हुए पका लेंगे। और आप देख सकते हैं साबूदाना को इलायची के साथ पकाते हुए 1 मिनट हो गया है, और साबूदाना हमारे बहुत अच्छे से पक गए हैं। इस टाइम पे अब हम इसमें कटे हुए ड्राई फ्रूट ऐड करेंगे। यहाँ मैंने किशमिश, आलमंड और काजू को अच्छे से बारीक कट कर लिया है। हम इसे साबूदाने के खीर में डालेंगे। आप चाहे तो इन सभी ड्राई फ्रूट को फ्राई करके भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन आप अगर इस तरीके से डालेंगे तो ड्राई फ्रूट दूध में बहुत अच्छे से पकेंगे, और खीर खाते समय इसका क्रंची बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। आप एक बार इस तरीके से खीर ज़रूर बनाएं, आपके साथ आपके घर वालों को भी बहुत पसंद आएगा। और ये देखिए यहाँ मैंने इसे ड्राई फ्रूट को भी अच्छे से डाल के पका लिया है। हम इसे मीडियम फ्लेम पे मिनिमम 5 से 6 मिनट के लिए पकाएंगे, और आपका खीर बहुत जल्दी पक के तैयार हो जाएगा। और आप देख सकते हैं खीर को पकाते हुए 5 मिनट हो गए हैं, और खीर हमारा काफ़ी गाढ़ा हो गया है। हम इसे इस तरीके से कंटिन्यू चलाते रहेंगे, जिससे ये तले में चिपकेगा नहीं और खीर हमारा बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार होगा। और आप देख सकते हैं साबूदाना हमारे अच्छे से पक गए हैं, और खीर भी हमारा बहुत ही अच्छे से गाढ़ा हो गया है।
और इस टाइम पे आप इसमें चीनी ऐड कर सकते हैं। लेकिन आज हम अनोखे तरीके का खीर बना रहे हैं, तो इस टाइम पे मैं खीर को उतार के साइड में रखूंगी। और अब हम एक इस तरीके का तड़का पैन लेंगे, और यहाँ मैंने तड़का पैन में 4 चम्मच पानी डाला है। और अब हम इसमें मीठे के लिए 6 से 7 चम्मच चीनी डालेंगे। मीठा आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ मैंने चीनी का यूज़ किया है, आप इसकी जगह गुड़ या मिश्री का भी यूज़ कर सकते हैं। चीनी डालकर मीडियम फ्लेम पे हम चीनी को अच्छे से चलाते हुए पानी में मिक्स कर लेंगे, जिससे चीनी हमारे जल्दी पक जाएंगे। और ये देखिए, मैंने चीनी को अच्छे से पानी में मिक्स कर लिया है, और आप देख सकते हैं चीनी हमारा अच्छे तरीके से मेल्ट हो गया है। इस टाइम पे हम इसे अच्छे से और चलाते हुए पका लेंगे, जिससे चीनी का पानी या मॉइस्चर जल्दी सूख जाएगा और चीनी हमारे जल्दी मेल्ट और कैरेमल होंगे। और आप देख सकते हैं मीडियम फ्लेम पे चीनी को पकते हुए 1 मिनट हो गए हैं, और चीनी हमारा बहुत अच्छे से कैरेमल होना स्टार्ट हो गया है। हम इसे बीच में इस तरीके से चलाते रहेंगे, जिससे चीनी हमारा तले में जलेगा नहीं। और ये देखिए, चीनी मरे रंग आना स्टार्ट हो गया है। इस टाइम पे गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और चीनी को पैन के टेम्परेचर में ही पकने देंगे, नहीं तो चीनी हमारा जल सकता है और मीठे की जगह इसका फ्लेवर कड़वा हो जाएगा। और आप देख सकते हैं चीनी हमारा बहुत अच्छे तरीके से पैन के टेम्परेचर में कैरमलाइज हो गया है। और अब हम इसे खीर में डालेंगे। खीर में डाल करके हम इसे अच्छे से पैन में चलाते हुए मिक्स कर लेंगे, जिससे कैरेमल चीनी या शुगर खीर में अच्छे से मिक्स हो जाएगा। और आप देख सकते हैं खीर में कैरेमल चीनी डालने के बाद खीर में बहुत अच्छा सा शाइन आ गया है, और खीर का कलर भी बहुत ही बढ़िया आया है। और आप देख सकते हैं खीर हमारा बिल्कुल परफेक्ट बना है, और ये बिल्कुल भी फटा नहीं है, और इसका दाना दाना बिल्कुल परफेक्ट है। इस टाइम पे हम कैरेमल चीनी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जिससे पैन में ये नीचे चिपकेगा नहीं। और आप देख सकते हैं खीर हमारा बहुत ही बढ़िया बन के तैयार हो गया है, और अब हम इसे ठंडा होने देंगे। और आप देख सकते हैं खीर ठंडा हो गया है, और इसका दाना बिल्कुल परफेक्ट बना है। और चलिए अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। और आप देख सकते हैं खीर हमारा बिल्कुल अच्छी तरीके से बनके तैयार हो गया है, बिना किसी झंझट के। तो व्रत हो, त्यौहार हो या फेस्टिवल, आप चावल की खीर तो अक्सर बनाते हैं, एक बार इस तरीके से साबूदाना का खीर बनाए घर पे, बच्चे हो या बड़े, सभी को बहुत पसंद आएगा। और आप देख सकते हैं खीर को यहाँ मैंने सर्व कर दिया। और अब हम इसके ऊपर कटे हुए काजू डालेंगे, आप इसे अपने पसंद के ड्राई फ्रूट के साथ सर्व कर सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। मिलती हूँ मैं आप सभी के साथ एक और नई रेसिपी में।